और जो थोड़े जे लोग इस्लामी कल्चर को पसंद करते हैं वो इस्लामी महीनों के मुताबिक अपनी जिंदगी के मामलात रखते हैं। बड़ी माजरत के नाल इस्लाम साडा दीन है, इस्लाम साडा उड़ना बिछोना है, लेकिन असी इस्लाम तो भी दूर हाँ और इस्लाम तो दूर होने की वजह तो इस्लामी महीनों तो भी दूर हाँ। बड़े कम लोग ने जिन्होंने इस्लामी महीने सारे बारह के बारह होंगे ने, अक्सर बंदियां नूं ते बारह महीनों के ना ही नहीं आते। सिर्फ इस्लामी महीने सानू चंद याद ने, रमजान च रोजे रखने ने वो याद रखिया है, ईद की खुशी करनी है तां शवाल नूं याद रखिया है, वड्डी ईद करनी है तां जुलहज नूं याद रखिया है, मुहर्रम च मातम करना है तां मुहर्रम नूं याद रखिया है, रबी अव्वल विच ईद मिलाद उन नबी मनानी है तां याद रखिया है। बाकी सानू किसे महीने का पता नहीं और इस वजह तो असी मुश्किलात विच फसे हुए हैं। हालांकि इस्लाम ने इस्लामी महीनों नाल साडियां बड़ियां इबादतां जोड़ियां ने, रोजियां दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, ईदां दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, हज दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, बहुत सारियां चीज़ां इस्लाम दियां वो इस्लामी महीनों नाल जुड़ियां। लेकिन चूंकि असी दूर हाँ इस वास्ते असी मुश्किलात अंदर हाँ, हुण ईद का हिसाब ला लो, रात के बारह बजे तक बंदा एक हाथ च कपड़े वाला सूट ते दूसरे हाथ च दही वाला डब्बा फड़ के खड़ा रहिंदा है कि पता नहीं हुण दही जमानी है कि कपड़े इस्त्री करने हैं, ना चन्न नजर आवे ते ना कोई फैसला होवे, ते फिर रात के साढ़े ग्यारह बारह बजे चन्न चढ़दा है, चन्न नजर नहीं आता चढ़दा है, क्योंकि नजर आने का टाइम तो मगरब तो बाद है ना, मगरब तो अद्धा पौना घंटा घंटा बस इन्नी देर च ही नजर आता है, जिहड़ा रात के ग्यारह बारह बजे होता ना वो तो चढ़ता ही है। हालांकि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि जब नया चांद नजर आए तो उसको देख कर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमली वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला, ये दुआ भी भुल गई ते अपने मकान की छत ते चढ़ के या बाहर खुली जगह ते खलो के चंद वेखण वाली सुन्नत भी मुक गई, कोई नहीं वेखदा, जिदी वजह तो असी मुश्किलात अंदर हाँ। बस इसे करतो गायत के तहत मेरा इरादा बनिया कि मैं तुहानू इस्लामी महीनों का तारफ करवावां, नाल तुहानू दसा कि हुरमत वाले महीने केड़े केड़े ने, ताकि जुमा पढ़ के तुसी बाहर जाके ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੋੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦੋੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੋੜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। हम इस्लाम से भी दूर जा रहे हैं, शरीयत से भी दूर जा रहे हैं, अल्लाह हमें समझ दे, तुहानू बाद चो दे सानू पहले दे। तो आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, इस्लामी महीने का मैं तारफ तुहाडी खिदमत अंदर पेश करांगा, उहदे लई तुहाडी मुकम्मल तवज्जो की जरूरत होए।
अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानु सारिया नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे गुरदुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाही यौम खलक समावाती वला अर्ज मिना अरबातुन हुरुम ज़ालिक दीनुल क़य्यम। फरमाया कायनात दे लोगो जदों तो अल्लाह पाक ने जमीनो आसमान बनाया है उदों तो अल्लाह पाक ने महीनिया की गिनती 12 बनाई के 12 और इन्हों 12 दे विचों अल्लाह पाक ने 4 महीने हुरमत वाले बनाए ने ज़िलकादा हुरमत वाला ज़िलहज्जा हुरमत वाला मुहर्रम हुरमत वाला अगे जाके कर रजब का महीना हुरमत वाला इन्हां दी तफसील मैं अगे जाके जिक्र करांगा। हजरात दे दीवकार इंसान की जिंदगी नाल तारीख का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तारीख तो बगैर बंदा चल नहीं सकता। दसना पैंदा है फलां काम मैं कदों करांगा केड़े दिन करांगा फलां काम कदों आ फलां तारीख नूं आ। जदों तो अल्लाह पाक ने इंसान नूं बनाया है उदों दा तारीख दा सिलसिला चल रहा है। अलबत्ता हर दौर अंदर तारीख दा अंदाज वखरा वखरा रहा है। सैयदना हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम दी विलादत तो पहले दी दुनिया मुअर्रिखीन लिखदे ने हजरत ईसा दी विलादत तो पहला इंजा कहा जांदा सी फलाना वाकया इन्ने साल कबल मसीह वाक होया यानी हजरत ईसा दी विलादत तो इन्ने साल पहले वाक होया। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों पैदा हो गए फिर तारीख दान लिखन लग पे फलाना वाकया हजरत ईसा की विलादत तो इन साल बाद पेश आया। चलदियां चलदियां जमाने ने करवट लई मक्का मुकरमा खाना काबा नूं ढाण वास्ते अब्रहा काफर अपने हाथ ही लैके आया। अल्लाह पाक नूं तबाहो बर्बाद कर दिता। ओ वाकया हर बंदे नूं याद रहा। तारीख ने फिर इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया वाकया फील तो इन्ने साल बाद पेश आया। जमाने ने और करवट लई नबी पाक सलाम दी विलादत हो गई। मुअर्रिखीन ने फिर इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया अल्लाह दे नबी दी विलादत तो इन्ने साल बाद पेश आया। जमाने ने और करवट लई मेरे पैगंबर ने नबुव्वत दा ऐलान फरमाया। मुअर्रिखीन ने इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया अल्लाह दे नबी दे ऐलान नबुव्वत तो इन्ने साल बाद पेश आया। जमाने ने और करवट लई अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर मक्यों हिजरत करके मदीने तशरीफ लै गए। फिर मुअर्रिखीन ने इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया हिजरत तो इन्ने साल बाद पेश आया। चलदियां चलदियां सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दा ज़माना आया। इस्लाम दी तारीख
इस नाम का दायरा 24 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया। हजरत उमर कैपिटल दे अंदर बैठ के मदीना मुनवरा दे अंदर बैठ के एक हुक्म जारी कर दे, हुक्म जनाब कासद नू दे दे। कासद हुक्म लैके 24 लाख मुरब्बा मील तय करके दूर पहुंचदा, पता ना लगदा ए हुक्म केड़े दिन लिखिया गया है, इस हुक्म नू केड़े दिन नाफज करना है। सैयदना हजरत मूसा शारी रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिता, अमीर मोमिनीन जी आपानू चाहिए साल भी तय करिए, महीना भी तय करिए, दिन भी तय करिए, और देखी की बुनियाद ते तीन चीजा अपडेट होया करन ताकि पता लगे फलाना हुक्म फलाने दिन हुक्म सादर होया है, फलाना हुक्म फलाने दिन लागू होया है। आपने मजलसे शूरा नु बुलाया और मजलसे शूरा दे अंदर मशवरा कीता। सैयदना हजरत अलीजुल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला फरमान लगे, अमीर मोमिनीन जी आपानू चाहिए हिजरत तो आगाज कर दे, तारीख दा फलानी हिजरी जिवें ईसवी चलती है ना, है 2023 चलता पिया, एवें आपां हिजरी तय कर लईए। इन्नी हिजरी इन्नी हिजरी तय हो गया, लिहाजा अज तो बाद साल हिजरी तो गिणिया जाएगा, ते साल दा आगाज केड़े महीने तो कीता जाएगा। हजरत अलीजुल मुर्तदा फरमान लगे, अल्लाह दे नबी ने हिजरत दा इरादा मुहर्रम दे महीने अंदर फरमाया सी, लिहाजा पहला महीना मुहर्रम दा गिणिया जाएगा, तय हो गया। इस्लाम दा पहला महीना मुहर्रम तो शुरू होएगा, इस्लाम दा साल मुहर्रम तो शुरू होएगा, और हिजरी अल्लाह दे पैगंबर दी हिजरत तो शुरू की जाएगी। लिहाजा उदो तो लग अज तक हजरत दी वकार 1445 हिजरी इस वक्त चलती पई है, यानी अल्लाह दे पैगंबर नू हिजरत कीतियां 1445 साल गुजर चुके ने। हजरत दी वकार इंज करके जनाब तारीख दा और सन दा आगाज कीता गया। अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमांदे ने, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्ला इसना आशरा शहरन फी किताबिल्लाही यौम खलक समावादी वल अर्द मिनहा अरबअतुन उरम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। ऐंज करके इस्लामी तारीख दा ते साल दा आगाज चल पिया, इब्तिदा हो गई। वो इस्लामी साल जिहड़ा साडा साल है जिन्ना सानू याद ही नहीं, पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरां दे वी वकार। बात बंदे कहिंदे ने, लो जी अंग्रेजी तारीख समझना आसान है, इस्लामी तारीख समझना मुश्किल है। अच्छा किवें? अखे अंग्रेजी तारीख किटी सौखी है, 2023 चलता पिया है, अज फलानी तारीख चलती पई है। हजरात ते दी वकार इस्लामी तारीख जानना मुश्किल काम है, इस्लामी तारीख जानना आसान काम है। किवें भला? अंग्रेजी तारीख दा पता बंदे नू लगेगा कैलेंडर तो, अगर कोई बंदा कैलेंडर पढ़ना नहीं जानता
अंग्रेजी तारीख का पता नहीं लग सकता। या बंदा किसी ऐसी जगह पे मौजूद है उसे घड़ी भी कोई नहीं और उसे जनाब कैलेंडर भी कोई नहीं, वो किमें पता करेगा आज तारीख कितनी है, आज महीने का केड़ा हिस्सा जांदा पे है, उनु कभी पता नहीं लग सकता। लेकिन इस्लामी तारीख एडा जबरदस्त अल्लाह पाक दा निजाम है, बंदे को कैलेंडर होवे भावे ना होवे, घड़ी होवे भावे ना होवे, बंदा तारीख दा पता ले सकदा किवें? अल्लाह दा रात दा टाइम है, बंदा अपनी नजर आसमान वल उठाए चन वल देखे, चन तो बंदे नूं पता लग जाएगा महीने दा पहला हिस्सा जांदा पिया या दरमियाना जांदा पिया है या महीने दा एंड वाला हिस्सा जांदा पिया है। जिहड़ा चन ने उह बंदे नूं हर तरह दी मालूमात देंदा है, हर तरह दा तरीका दसदा है, हत्ता कि चन तो दिन दिना तारीख दा भी पता लग सकदा है, महीने दी तादाद दा भी पता लग सकदा है। इस वास्ते हज़रात दी वकार याद रखिए, सब तो आसान तरीन तारीख सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि इस्लामी तारीख है। आओ इस्लामी तारीख वल, आओ इस्लामी महीनिया वल। अल्लाह अल्लाह पहला महीना इस्लामी साल का पहला महीना केड़ा है भला? केड़ा भला है? मुहर्रम। अल्लाह अल्लाह इस्लाम का याद रखिया जे। हर महीना ताले कोलो पुछांगा जिना तानू ना आया मैं दस देवांगा, जिना मैनू ना आया तुसी दस देंगे, अपन रल मिल के जनाब गल नूं समझांगे ताकि महीने याद हो जाण। और एक अल्लाह याद ना करिया जे, अपनी जिंदगी दे मामलात इस्लामी महीनियां दे मुताबिक भी करने कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरत जीवकार कौर करते जाना दराओ। इस्लाम दा पहला महीना इस्लामी साल दे पहले महीने दा नाम है मुहर्रम। मुहर्रम माना हुरमत वाला, हुरमत दा माना एक अंदर लड़ाई करना जायज नहीं, एक अंदर जंग जायज नहीं, एक अंदर किताल जायज नहीं, एक अंदर जनाब किसी नु मारना जायज नहीं, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਅੱਲਾ 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 ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼, ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਸਨ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਹਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੁਹਰਮ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹਰੁਲਲਾਹਿਲ ਮੁਹਰਮ, ਮੁਹਰਮ ਅੱਲਾ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, मुहर्रम अल्लाह का महीना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर करते जाना दराओ। माहे मुहर्रम दा दस दा रोजा यानी यौमे आशूरा दा रोजा मेरे पैगंबर ने रखे है, रखण दा हुक्म दिता है। ऐ गल जरा सुन लिए, नबी पाक मदीने मक्यों हिजरत करके मदीने आए ते मेरे नबी ने वेखिया यहूदी दस मुहर्रम दा रोजा रखते ने। आपने फरमाया और तुसी क्यों रोजा रखते जे? वो कहते ने कि दस मुहर्रम उल हराम नू अल्लाह पाक ने हजरत मूसा नू फिरौन तो आजादी
अदा की थी। असी ता शुक्राने वास्ते रोजा रखने आ, यानी अल्लाह पाक ने मूसा पैगंबर नु आजादी दिती, असी आजादी दी खुशी रोजा रख के मनाने आ। फैसला पादिया गल समझण वाली है, यहूदी आजादी की खुशी रोदा रख के मनांदा है, ते असी की करने आ, आज जश्न आजादी है, धीआं भैणां नूं बाहर कढ लिया, चिट्टे ते हरे सूट पवा दिते, उहनां दीआं गल्लां ते पाकिस्तान दे झंडे बनवा दिते, उहनां नूं अपने नाल लैण क्रोधर अंदर बिठा के पूरे फैसलाबाद नूं विखाया। अल्लाह लायका दी आजादी की खुशी है, दुख के मर जाना चाहिदा है। अल्लाह लायका आजादी दी, मेरे नबी ने आजादी की खुशी पता किवें मनाई है। नबी पाक मक्के च दाखल होए ने, ते मेरे पैगंबर बैतुल्ला विच आ के सजदे कीते जांदे ने, शुक्राने ते नफल पढ़ी जांदे ने, मेरे पैगंबर ते यार रोई जांदे ने, अल्लाह पाक के शुक्राने ते सजदे कीते जांदे ने। मेरे नबी ते मेरे नबी दे यारां ने आजादी दे मौके ते इंज दी खुशी मनाई के मेरे नबी दी खुशी वेख के 2000 काफर मुसलमान हो गया। 2000 काफर ने कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया आजादी की खुशी वेख के। ते अज दुनिया दा हाल इहदा है, असी आजादी की खुशी इंज मनाने के काफर कहंदे ने तौबा तौबा तौबा, ये मुसलमान है। वना में तुम हो नसारा तो तबंतर में हो रो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह 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 पाक सन समझता फरमाए, ओजी आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार, लिहाजा 10 मुहर्रम अल हराम दा रोजा। अल्लाह अल्लाह 10 मुहर्रम नु असी वाहबियां खास कर रोजे रखे सन, ते असी कईआं जगह तों गुजरे ना, ते बेली खलोते सन जग पानी ते लै के इंज गड्डी रोकदे सन, जिवें ना ट्रैफिक वाले ने चलान कटना हुंदा है, प्यासे सन तू पानी पियाई जाना। मेरे पैगंबर ने वाकया करबला तो 60 साल पहला और रोजे की तालीम दे दिती है, लिहाजा मैं फरमाया मैं यहूदियों की मुखालफत करूंगा, तुम 10 का रखते हो, मैं 7-9 का भी रखूंगा, 10 का भी रखूंगा। अल्लाह सानू भी तौफीक दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना बदला तेजी वकार, गौर कर दे जाना दराओ। मुहर्रम उल हराम दी हुरमत ते फजीलत मैं जिक्र की थी, बड़े दे अंदर पेशान वाले अहम वाकियात। मुहर्रम दे अंदर पहला वाकिया केड़ा पेश आया, सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब को रज़ियल्लाहु ताला दी शहादत दा वाकिया मुहर्रम उल हराम अंदर पेश आया। आप दुनिया तो तशरीफ लै गए और मुहर्रम उल हराम दी 10 तारीख फर्क सिर्फ इतना है, लोग आले बैत को तो मानते हैं, आले बैत की नहीं मानते हैं। अल्लाह के फजल नाल हम आले बैत को भी मानते
बैत की भी मानते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते जीवा का रसी मानने अल्लाह दे फजल ते मानते रहेंगे कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह मैं ते जगह जगह आखी है वहादियां ते बोलो है वे दूर ना तू जा नेड़े बह के सुन साडे तेरे दी सदा सहाबी ए रसूल साडे दिल दी है चा सहाबी ए रसूल साडे दिल दी है चा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा हसन हुसैन साडे दिल दी है चा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा सिद्दीक ते फारूक साडी अखियां ते तारे ने हैदर उस्मान सानू जान तो भी प्यारे ने मुआविया ते शान नो तो ऐवें ना घटा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा। अल्लाह सुनो अली दियां बच्चियां दी बड़ी उच्ची शान है उन्हां दी ओ शान विच रब दा कुरान है पढ़ लै कुरान साडे नेड़े नेड़े आ कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह ते दी वकार माहे मुहर्रम अल हराम अंदर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल्ला शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात दी मुहर्रम दे महीने अंदर हुई है। और भी बड़े वाकियात ने लेकिन मैं 12 महीने जिक्र करने ने मैं के चलना हजरत दे दी वकार मुहर्रम तो बाद अगला महीना केड़ा आया पता सफर अगला महीना सफर दा माना की है सफर दा माना करन वास्ते सफर दी स्वाद थले जेर ला दियो ते माना बन जाएगा। सफर दा माना सिफर है सफर दा माना सिफर है यानी खाली अरब लोग माहे सफर दे अंदर अपने घरां नूं छड के तिजारत वास्ते निकल जा करदे सन दूर दराज दे इलाकियां दे अंदर तिजारत वास्ते चले जांदे घर वेले हो जांदे शहर वेले हो जांदे तां अरब लोकां ने इहदा नाम सफर रख दित्ता खाली यानी इस महीने विच घर खाली हो जांदे ने। इहनां ने ना तां करके इहदा नाम सफर रखिया है। अल्लाह दे जीवकार तवज्जो करना सफर महीना लोग मनहूर समझते ने आगे सफर का महीना नैश हों मात अल्ला सफर का महीना मनहूस हों मात अल्ला ना ना खतरा तेजी वकार माहे सफर मनहूस ना समझिया करो माहे सफर नैश ना समझिया करो। नबी पाक ने फरमाया ला अदबा वला तिजारता वला हामा वला सफरा फरमाया कोई बीमारी मुतद्दी नहीं होते यानी एक बंदे तो दूसरे बंदे को बीमारी नहीं लगते ये सारिया गलत हवावा ने ये सारे झूठ बोले जाते ने आखे एक बंदे तो दूसरे बंदे को बीमारी लग जाती है और बंदे को टीबी होती है बंदे को शुगर होती है बेगम सारी जिंदगी ना रहती है उन्होंने तो नहीं होती टीबी बेगम तो ज्यादा गरीब बंदे ने केड़ा होता है ये सब तवाहमात है फाल पकड़ना दुरुस्त नहीं फाल पकड़ना की है इंज करके तीर सुट देना इधर गया ते काम होएगा इधर गया ते काम नहीं होएगा फरमाया ये भी अकीदा दुरुस्त नहीं अगे फरमाया बता उल्लू जानवर उल्लू है ना ये भी मनहूस नहीं होता इनू भी बुरा नहीं समझना चाहिए पता सफरा ते सफर का महीना भी मनहूस नहीं होता अल्लाह ते दी बकार कोई सफर नु मनहूस कहता है कोई उल्लू नु मनहूस कहता है ना ना लोगो कोई महीना मनहूस नहीं कोई जानवर मनहूस नहीं मनहूस बंदा है जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता मनहूस बंदा है जिहड़ा शिरक करता है मनहूस बंदा है जिहड़ा जिनाह करता है मनहूस बंदा है जिहड़ा बदकारियां करता है मनहूस तू है महीना मनहूस नहीं हो सकता मनहूस तू है अल्लाह की बड़ाई मखलूक मनहूस नहीं हो सकते ऐवे साडे जनाब लगिया जांदे काली बिल्ली को दी लंघ गई ते कहंदा हुण काम नहीं होना सुबह सुबह आधार किसी ने मंग लिया ते कहंदा जा नशा तू मथे लग गया काम सारा खरा
मेरे उस्ताद मोहतरम शेख और हदीस मौलाना अब्दुल हबीब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी गल सुनाया कर सर। फरमांदे ने बादशाह निकलिया शिकार वास्ते बाहर, सुबह सुबह का टाइम सी ते अगो एक चटका जा माड़ा जा गरीब जा बंदा टकरिया। उन्हें आखिया भी बादशाह सलामत पे जाते ने सलाम करिए कहो के। उन्हें आखिया जी बादशाह सलामत सलाम हो गए। नशा मनुसा कितों मथे लग गए हैं हूँ कारोबार ही नहीं चज ना होना शिकार ही नहीं होना बंद करो। उन्हें फट के ताड़ दिता भी शिकार होना को नहीं जाके फिर माजा लावे। वो शिकार अगे ना बहुत आया वापस आए ना बादशाह कही है वो छड़ दियो यार उन्होंने बड़ा चंगा बंदा है शिकार से पहले ना भी ज्यादा है और छड़ दियो तो बंदा अच्छा है। उन्हें छड़ दिता और कह लगा जी मैंने दो मिनट बादशाह नहीं बना दे मैंने बना दे। और बादशाह ने कोल गया जी किवें मैंने फड़िया। उन्हें आज तेन फड़िया सुबह सुबह मत्थे लगा तो मर हुसना में सानू शिकार ना लभे पर तू चंगा बंदा शिकार से पहले बहुता लभा इस वक्त तेन छड़। उन्हें आज बादशाह सलामत जी इजाजत तो मेरे मैं निकी जी गल ना कर ला। उन्हें आज करो उन्हें आज वेखो ना सुबह मैं भी घरों निकलिया तो तुम भी निकले तुम मेरे मत्थे लगे तो मैं ताे मत्थे लगा तो तहू शिकार अगे ना भी ज्यादा आया तो मैनू तो मेरे बच्चों की रोटी भी ना लभी मेरे वास्ते सब तो व्डा मनहूस तू है। अपने दिल कर दो सारिया बाबा अपने दिलों खत्म कर दो। कोई महीना मनहूस नहीं होता सफर का महीना भी मनहूस नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते आधा सफर के आपते सफर तो अगला महीना किराया बोलो रबी का माना क्या होता है। रबी के दो माने हैं एक माना है किसी चीज का रुक जाना ठहर जाना ते दूसरा माना एदायक है पहाड़ किसी चीज कुर्बान जावा माहे रबीउल अव्वल दे अंदर ज्यादा मारूफ है वे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बादशाहत तो ये अगर चेहरे अंदर बड़ा इख्तलाफ है बड़ा ज्यादा इख्तलाफ है फैसला पाती आप एक फैसला कौन गल मैं तेने भी दस जावा तीन गल ने नबी पाक सलाम के मुतलक आप की विलादत की तारीख है आप की विलादत का महीना आप की विलादत का दिन है एक साबत है दो गल साबत नहीं आप की विलादत की तारीख भी साबत नहीं आप की विलादत का महीना भी साबत नहीं दोवों में बड़ा ज्यादा इख्तलाफ है। अगर जो ज्यादातर लोगों ने नौ रबी जुमे वाले दिन आ गई रबी उल अव्वल लोग जुमे वाले दिन खुशी मनाने झलिया लाणिया ने ते सानू कहना है झलिया क्यों नहीं लाइया असी उन्होंने पहले दस देना चाहते हाँ और सजनो असी बड़ी देर दियां झंडियां लाइया हुई ने इधर वेखो ना आखो हम भी झंडी लाइए ए किन्ने बंद झंडियां लाइया ने यह सच्ची मुहब्बत की झंडी है लोग झंडियां लाते ने जड़ी नेड़ी आवे तो उड़ जा ने बारिश पवे तो भिज जा ने कुछ दिनों तो बाद बाजार के रोड़ा च लगिया फिर दिया ने झंडिया असी अल्लाह की विदा दी एक दिन नहीं जिंदगी के हर लम्हे खुशी करने ताई झंडी भी पक्की पक्की लाने एक दिन की नहीं लाते बारह दिनों की नहीं लाते दसा दिनों की नहीं लाते नबी पाक की विलादत की खुशी जिन्हों चंद दिनों की है उन्हें चंद दिनों की झंडी लाई है तो जिन्हों नबी पाक की विलादत की खुशी हमेशा दिए उन्हें अपने चेहरे ते झंडी भी पक्की पक्की लाई हुई है।
ਬਸੀਰਤ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਚੱਲੀ ਕਦੀ ਲਾਈ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਦਾ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਪੜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਤੁਮਾਰੇ ਐ ਪਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਐ ਪਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਚਿਹਰਾ ਯੁਲਕਾ ਚਾਂਦ ਪੁਨਮ ਚਿਹਰਾ ਯੁਲਕਾ ਚਾਂਦ ਪੁਨਮ ਕਾ ਗੈ ਸੂਰ ਕੇ ਬਾਦਰਕਾਰੇ ਗੈ ਸੂਰ ਕੇ ਬਾਦਰਕਾਰੇ ਉਨਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ ਤੋ ਉਨਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ ਗਜਰਾ ਡਾਰੋ ਪਿਆਰੇ ਨੈਣ ਗਜਰਾ ਡਾਰੋ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਗੱਡਾਇਆਂ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਏ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥਾਰ ਪੰਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚੰਦੋ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆ ਮੀਨਾ ਦੇ ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਮੈਂ ਥਾਰ ਪੰਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਪਾਂਚ ਨਿਕਲ ਵਾਲੀ ਧੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲਵਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਾਮ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਸਮਤ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆਲਾ ਮੁਸਕੁਰਾਣਾ ਦਾ ਫਜਰਾਂ ਦਾ ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਮਹਰਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਲਾ ਤਹਜਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਫੀ ਦਾ ਨਾ ਜਲਵੰਤਾਂ ਦਾ ਖਲਵੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕੀ ਦਾ ਆਲਾ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਮ ਖਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਲਾ ਜੇ ਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਗਮ ਮਿਟਾਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਗਮ ਮਿਟਾ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਗਮ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜੁਮਾ ਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਨ ਭਾਈਓ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਹਨ ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਭਾਬੀ ਉਜੜੇ ਬਸਾਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੇ ਵੀ
मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। इन्हीं के दीन से पाए फकीरों ने भी शहनाई, फकीरों ने भी शहनाई, जहन्नम से बचाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अगला महीना आया उसका नाम है रबीउल सानी, माना हो ये जिहड़ा रबीउल अव्वल है। अल्लाह ते दी वकार रबीउल सानी तो बाद अगला महीना आया जमादुल अव्वल या जमाता उड़ा। जामद का माना किसी चीज का रुक जाना, जम जाना, सर्दी की वजह तो पानी जम जाते, पानी रुक जाते अरब के इलाके के अंदर, तो उन्होंने इस महीने का नाम जमाता उड़ा रख दिता या जमादुल अव्वल रख दिता। इस महीने के अंदर अहम वाकयात विचों नाजीरुद्दीन शहीद की शहादत वे इस महीने अंदर हुई है। मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात भी इस महीने अंदर हुई है। दोवें खत्मे नबूवत दे शहबाद ने, दोवें खत्मे नबूवत दे जनाब शहदाई ने, असीं उन्हां दे रूहानी बेटे हां। इंशाअल्लाह जदों तक जिंदा रहांगे खत्मे नबूवत वाद इंशाअल्लाह मेहनत करते रहेंगे। अल्लाह मैं कुर्बान जावा अगी आ गया जमादुल आखर, माना एदा भी होई है जेड़ा जमादुल दा माना है। अल्लाह इस महीने के अंदर अहम वाकयात केड़े पेश आए, बाबरी मस्जिद शहीद हुई इस महीने के अंदर। अल्लाह पाक को दुआ करो ना साडियां जिन्नियां मस्जिदां शहीद हो गईयां, शहीद करन वालियां नूं अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा देवे, जिन्हिया मस्जिदा इस वक्त काफरां दे कब्जे विच ने। अल्लाह पाक उन्हां मस्जिदा नूं रिहाई दे दे, सानूं गैरत दे दे। आप ते दुआ इही कुंदी है ना, अल्लाह पाक मस्जिदा नूं अल्लाह पाक नूं हाथ चुक के अल्लाह पाक नूं मुक्तस रिहाई दे दे, बस इत्थे दुआ। पर मेरी दुआ इत्थे नहीं मुकदी, मैं दुआ अगे लै के जांदा, अल्लाह पाक उन्हां नूं रिहाई देवे, सानूं गैरत देवे। अल्लाह पाक सानू गैरत दे, सुते जो पे आराम जो कर रहे हैं, रेस्ट जो कर रहे हैं, मौजा जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक सानू गैरत दे देवे। अल्लाह पाक सानू शर्म अता कर देवे। अल्लाह ते दी वकार। और याद रखिए माहे जमादुल आखर में हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े एक खतीब गुजरे ने, बड़े प्यारे खतीब गुजरे ने, उन्हां दी वफात महीने अंदर हुई है। इन्हां नूं याद रखिया करो अल्लाह दे बंदो, इस्लामी महीनियां नूं याद रखिया करो, अपने असलाफ नूं याद रखिया करो, अपने असलाफ दीआं कुर्बानियां नूं याद रखिया करो। जमादुल आखर तों बाद अगला महीना कहिड़ा आया, अल्लाह ते दी वकार अगला महीना बोलो बोलो कुंडे नहीं खाने रजब देख कुंडे है। अल्लाह अल्लाह अगला महीना रजब दा, अगला महीना रजब दा। अल्लाह ते दी वकार रजब भी हुरमत वाला महीना है, जिन्नी हुरमत मुहर्रम दी ओवें हुरमत जनाब रजब दी। रजब का माना ताजीम, रजब का माना इज्जत वाला, इहदा नाम रजब ता इज्जत वाला महीना है, हुरमत वाला महीना है। अल्लाह ते दी वकार तवज्जो करना, माहे रजब दे अंदर, माहे रजब के अंदर अल्लाह ते दी वकार सच्चे दिना अल्लाह ते अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला भाई रजब नू, भाई रजब नू अल्लाह ते अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला दी शहादत हुई है। अल्लाह अल्लाह इस्लाम दा बड़ा वड्डा हीरो अमीर मुआविया, इस्लाम दा बड़ा वड्डा जनाब सिपाही अमीर मुआविया, मेरे पैगंबर दा सिपाही अमीर मुआविया, रब दे कुरान दा कातिब अमीर मुआविया, मेरे पैगंबर दी हदीस दा
कातल अमीरे माविया हो, मेरा तुहाडा मामू अमीरे माविया हो, सैयद नादरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला दा भाई अमीरे माविया हो, हजरत अबू सुफयान रजी अल्लाह तआला आनो दा बेटा अमीरे माविया हो, हजरत ज़ीबकार एवे सज्जे खब्बे गल्लां विच नाया कर तारीख दे चंद कलमे रट के जिहड़ा बंदा तैनू अमीरे माविया दे बारे बासन करे ओहदियां गल्लां सुणिया कर। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करना, अल्लाह पाक ने दो कन क्यों दिते ने, अल्लाह पाक ने दो कन तां दिते ने एक पासे दीना सुनिया करो दूजे पासे दी भी सुनिया करो। जिहड़ा बंदा अपने सामने कैमरा लांदा है, कैमरे दे सामने कोई चार किताबां रखदा है, वो गल्लां करदा ते तुसीं मगर लग जांदे हो, तुसीं समझो सच कहिंदा पिया है। अल्लाह दे बंदो इधर मेरे वल वेखो, जिहड़ा बंदा जिहड़ा बंदा ऐ कुरान सिर ते रख के जिहड़ी गल आखे ओह गल मननी चाहीदी है कि नहीं? नहीं। जिहड़ा कुरान सिर ते रख के आखे ओहदी नहीं मननी, जिहड़ा कुरान खोल के आखे ओहदी मननी। ये सिर ते रखण लई आया है, ये कसमां चुकण लई आया नहीं, ये कुरान खोल कर पढ़ने के लिए आया है। अल्लाह के बंदा जो खोल कर बताए उसकी मानो, जरा सिर ते रख लिया तुझे ओदी मान लेंगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत दे दीवकार रजब दे कुंडे हकीकत अंदर हजरत अमीर माविया दे दुश्मना दी रसम बनाई हुई है। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला दी वफात दी खुशी करदे ने ते नाम रजब दे कुंडे दिते हुए ने। हजरत दे जीवकार ए नहीं चलेगा इंशाअल्लाह जदों तक पैगंबर दे सहाबा दे दीवाने परवाने जिंदा ने, सारे सहाबा दी अजमत बयान हुंदी रह गई, अमीर माविया दी अजमत दा भी जिक्र हुंदा रहेगा। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है, मेरे दिल दी धड़कन मुआविया है, मेरा दीन ईमान मुआविया है। मैं नौकर पाक मुआविया दा, हम शीरज दे हम शीरज दे हम शीरज दे, मेरे नबी दी बीवी मेरी तुहाडी मां, हम शीरज दे सौ जाए नबी ते उम्मत नबी दा मामो है, मेरे पाक नबी दा सहाबी है, मेरे पाक नबी दा सहाबी है, नाले कारी कुरान मुआविया है। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। अल्लाह दा तवज्जो करना हजरत ज़ीबकार भाई रजब सैयद नादरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी जनाब वफात दा बाकिया। रजब दी जनाब रजब दे कुंडियां दी कोई हसीयत नहीं, और जनाब रजब दे अंदर ही मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ओ भी इस दारे फानी दरुस्त होए ने। इस माह रजब दे अंदर रजब तो बाद अगला महीना शाबान, शाबान का माना टुकड़े 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 टुकड़े, क्योंकि सारे लोग मुख्तलिफ जनाब काफलियां दे विच टुकड़े टुकड़े हो जाते, नाम शाबान रख दिया गया। हजरत ज़ीबकार माए शाबान के अंदर एक जनाब रात जिस रात पटाके बड़े वजदे ने, जिस रात ठां 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 पई हुंदी है, ये की होए बरकत आई रात है, ये बरकत आई रात की इज्जत पई हुंदी है, ये लैलत मुबारक का है, लैलत मुबारक की ये इज्जत है, ठां ठां करो पटाके मारो, दुनिया बाबियां नूं परेशान करो, सुत्ते लोगों नूं परेशान करो, जिसे शबे बरात का नाम दिया जाता है। इस्लाम में शबे बरात नाम की कोई चीज नहीं है, और जो इसकी फजीलत पे जो रवायात पेश की जाती है वो सारी की सारी वो रमजान मुबारक की लैलतुल कदर की रात है। लैलतुल मुबारक का कौन सी
रात है, इतना अंजनाहु फी लैलतुल कद्र, ये लैलतुल कद्र है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हाँ अलबत्ता इतनी फजीलत नहीं जरूर है, अल्लाह ने नबी ने सब तो ज्यादा रोजे इस महीने में रखे हैं, कसरत ना रोजे नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाम रख दे रहे इस महीने दी अंदर अल्लाह ते दी वकार अता के जो शाबान ते पहुंचदा ओ तो नबी पाक रोजे रखने छोड़ देते। अल्लाह ने नबी ने शाबान दी जनाब एंड वालियां तारीखां नु रोजा रखण तो मना फरमाया है। ते साडे ते इलाके कहंदे ने मैं सलामी रोजा रखिया, ये सलामी नहीं है, गैर सलामी रोजा है, एदी कोई शरीयत बल्कि मना किया नबी पाक ने। आपने फरमाया रमजान से एक दो दिन पहले का रोजा न रखो। पता नहीं कई बंदे ठेका चुकिया नबी पाक की हर गल की मुखालफत ही करनी, कलमा हरे का तो पढ़िया, कलमा इस बात से पढ़िया कि जिवें नबी पाक कहन दा उल्ट करना। सलामी रोजे की कोई असीयत नहीं, सलामी रोजे की इतनी असीयत है कि यह गैर सलामी है। अल्लाह अल्लाह इस बात से कोई रोजा नहीं। हाँ एक बंदा जुमेरात का रूटीन ना रोजा रखता है तो रमजान तो एक दो दिन पहला जुमेरात आ गए वो रख सकता है, स्पेशली तौर पर तमाम करके शाबान के एंड ते सलामी रोजा करके रखना है दुरुस्त नहीं। ये तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, शाबान तो बाद के रमजान आ गया, रमजान रमद में से है, रमद माना गर्मी, चूंकि गर्मी बड़ी ज्यादा पैन लग जाती गाय का नाम रमजान का खरीदा गया। रमजान की फजीलत अल्लाह ने जिंदगी रखी तुहाडी ते साडी, फिर रमजान अंदर बयान करांगे अल्लाह दी वकार अहम वाकयात। सैयदना हजरत अली करीम मुर्तजा रजी अल्लाह तआला की शहादत रमजान मुबारक अंदर हुई, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला की वफात रमजान मुबारक अंदर हुई, खदीजा एशिया हजरत मौलाना कारी अब्दुल अजीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात भी रमजान मुबारक दे अंदर कोई कमदाम तो बाद अगला महीना शफात दा। शफात दा माना मस्त होना, मस्त होना, क्योंकि शफात दे अंदर जड़े ऊंट सन ना मस्त हो जाए करते सन रब दे, ता उस महीने दा नाम शफा रख दिता गया। शफात दी फजीलत दे वे इत्रो शफात चढ़दा जांदा है साडे लई खुशी लेके आंदा है। शफात दी पहली तारीख हुई इदुल फितर हुंदी है, असीं खुशी करने आ, असीं कवे कपड़े नवे पहनने आ, असीं खुशबू लगा के अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर आदरने आ। पर शबात दे छे रोजे की ने जिन्ना ते रखण दा नबी पाक ने हुक्म दित्ता है। शबात तो बाद अगला महीना अल्लाह ते दी वकार सिरका दाया, सिरका दा कमाना बैठने वाला, सारे तजारत करन वाले लोग सिरका दा अंदर वापस आके अपने घरां विच रेस्ट करते बह जांदे, ताए दा नाम बैठने वाला रख दिता गया। सिरका दा, सिरका दा दी इस्मत है मेरे नबी ने तीन उमरे सिरका दा विच कीते ने, सिरका दा अंदर उन्हां दे पैगंबर ने त्रै उमरे फरमाए। सिरका दा तो ये भी हुरमत वाला महीना दिल का दा, ये भी हुरमत है जिने मुहर्रम हराम दी ते दिल जनाब रजब दी है। अके महीना आया जिल हज्जा, जिल हज्जा का माना हज वाला महीना, ये अंदर लोग हज करते ने अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर जाके हज कीता जांदा है, तां इस महीने दा नाम जिल हज रख दिता गया है। पर अल्लाह पाक ने दी असमत ते दी बुलंद बनाई है, इतियां पहलियां दस रातां दी अल्लाह पाक ने कुरान पाक कसम चुकी है। फरमाया बल फजर बता याद नाशर, मुझे फजर की कसम है और मुझे दस रातों की कसम है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन दस रातों से मुराद मुहर्रम ज़िलहज्जा की पहली दस रातें हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक इस दुआ नाल गुफ्तगू खत्म करने आ। अल्लाह सोनिया आज ज़िलहज्जा दा प्याए दे अंदर ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान फरमाया आऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अरबअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अल्लाह पाक की बारगाह अंदर दुआ है मैं जो बयान की ताला अमल की तौफीक दे। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।